गर्मी का कहर जारी, लू लगने से 6 लोगों की मौत, फलौदी में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। करंट की चपेट में आई ट्रैक्टर ट्रॉली, मासूम बच्चों और महिलाओं समेत 19 लोग झुलसे। हरियाणा के अंबाला में ट्रक द्वारा बस को टक्कर मारने से 7 लोगों की मौत, 25 घायल। इस्लामिक देश यूएई पहुंचे बाबा बागेश्वर का जोरदार स्वागत, दुबई के शेखों ने गुलाल बरसाते हुए कहा खुशामदीद। कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नर का ऐलान। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, लश्कर ए तैयबा का आतंकी सोएब मिर्जा और कच्छों को गिरफ्तार। विपक्षियों को नहीं मानता दुश्मन, उनसे भी चाहूंगा सीखना, बोले पीएम मोदी। केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट केस में ठाणे पुलिस ने दोनों मालिकों को हिरासत में लिया, 11 लोगों की मौत, 64 हुए थे घायल। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग आज, मनोज तिवारी कन्हैया समेत 889 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। गाजा में तत्काल प्रभाव से मिलिट्री ऑपरेशन रोके इजराइल, नेतन्याहू सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश। गाजा में 3 इजरायली बंधकों के शव मिलने से मचा हड़कंप, ताबड़तोड़ हमले की बड़ी आशंका। सीएम सिद्धारमैया बोले प्रज्वलन को देवगौड़ा ने विदेश भेजा, परिवार को रवन्ना के देश छोड़ने की बात पता थी, सबसे बड़ा अपराध रेप है। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस, सीसीटीवी सामने आया दावा, 2 आरोपी बेग ले जाते दिखे, इसमें लाश की आशंका, हनी ट्रैप एंगल से भी जांच। मुख्य सचिव के आदेश जारी, भ्रष्टाचारियों के लिए अब वीआरएस नहीं सीआरएस लागू होगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।